हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू के चौहान विजन। हम मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शंस। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है, तो क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, पुरानी वीडियो में भी पढ़ा था कि मेटल की किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, क्या सभी मेटल, ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शन करते हैं? ठीक है, एक जैसे ही तेजी से रिएक्शन करते हैं क्या? एक जैसे ही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कुछ मेटल के सैंपल लेंगे। ठीक है, हमने जो पिछले टाइम जो वाटर के साथ थी रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थी, वही सैंपल लेंगे, पर इस बार हमने सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से रिएक्शन वाटर के साथ ही कर लेते हैं, तो एसिड के साथ तो और भी मुश्किल है। इनकी रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। और बाकी जो हमारे मेटल सैंपल है, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनको लेंगे। क्या करेंगे एक्टिविटी शुरू करने से पहले? इनके ऊपर पता है हमें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उसे हम जो सैंड पेपर है उससे हम क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम इसकी एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे और सब में, ठीक है, एक एक थर्मामीटर लगा देंगे। और ऐसे लगाएंगे कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, जिसमें मरकरी होता है, वो एसिड में डिप किया हुआ होना चाहिए। और अब सभी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, उनमें हम एक टेस्ट ट्यूब में एक मेटल डाल देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास मेटल रखे हुए हैं सब में हम एक एक टेस्ट ट्यूब में एक एक मेटल डाल देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में बबल्स पहले बनने शुरू हुए, किस टेस्ट ट्यूब में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और कौन सा मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है। तो इस आधार से हम जितनी भी टेस्ट ट्यूब लगाई हैं, जितने भी उसमें मेटल डाले हैं, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि ये मेटल सबसे तेजी से रिएक्शन कर रहा है, ये कम, ये कम, ये और भी कम। ठीक है, ऐसे हम इनको रिएक्टिविटी सीरीज में लगा देंगे। किया क्या हमने अभी तक? कुछ भी नहीं किया कि एक स्टैंड लेकर उसमें टेस्ट ट्यूब लगाई और पाँच छः, और उनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और हर एक टेस्ट ट्यूब में एक एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर क्यों लगाया? जस्ट टेम्परेचर नोट करने के लिए कि कौन सी मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रही है तो कितना वो एक्सोथर्मिक है, कितना टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है। ठीक है, तो वो नोट करने के लिए हम थर्मामीटर लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही एल्युमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ऐसे ही जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, ऐसे ही आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। हमने कॉपर भी लिया था, कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जितने भी मेटल लिए थे उनकी रिएक्शंस हमने देखी। कॉपर जो है वो नहीं कर रहा क्रिया, किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कॉपर की नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो करते हैं या रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सभी में। ठीक है, क्या सभी मेटल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर? हाँ निकालते हैं, पर जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी।
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे जब मेटल रिएक्शन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पर जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो गैस निकलनी चाहिए थी उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है उसको वाटर में। और जो ये NO3 है, ठीक है, खुद जो है वो क्या करता है, अब उसका रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। और किस में रिड्यूस होएगा, NO3 से या तो NO2 बन जाएगा, ठीक है, NO3 से या तो NO2 या NO या N2, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है इसमें हम देख रहे हैं कम हो रही है, ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, इसे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, वाटर में। तो मैग्नीशियम जब या मैग्नीज जब भी डाइल्यूट हाइड्रो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम या मैग्नीज जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आइए कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं। मैग्नीशियम की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस बनता क्या है, साल्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। ये था नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट। अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा तब मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पर अगर ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, थोड़ा सा भी कंसनट्रेटेड है, ठीक है, तो जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनेगा पर साथ में हाइड्रोजन गैस जो बननी थी वो नहीं बनेगी। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। ऐसे ही जब पूरा कंसनट्रेटेड हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तब मैग्नीशियम नाइट्रेट ही बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर में करेगा। तो आज हमने पढ़ा एसिड्स की रिएक्शंस मेटल के साथ। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और पर जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। पर अपवाद हमने लिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम करता है जब डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है नाइट्रिक एसिड से मेटल की रिएक्शन में, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू के चौहान विजन। हम मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शंस। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, पुरानी वीडियो में भी पढ़ा था कि मेटल की किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। क्या सभी मेटल, ठीक है, इसी तरीके से ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एक जैसे ही तेजी से रिएक्शन करते हैं? क्या एक जैसे ही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कुछ मेटल के सैंपल लेंगे, ठीक है। हमने जो पिछले टाइम जो वाटर के साथ थी रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन थी वही सैंपल लेंगे, पर इस बार हमने सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
तेजी से रिएक्शन वाटर के साथ ही कर लेते हैं, तो एसिड के साथ तो और भी मुश्किल है। इनकी रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। और बाकी जो हमारे मेटल सैंपल है, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनको लेंगे। क्या करेंगे एक्टिविटी शुरू करने से पहले, इनके ऊपर पता है हमें ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उसे हम जो सैंड पेपर है उससे हम क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम इसकी एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे और सब में, ठीक है, एक एक थर्मामीटर लगा देंगे और ऐसे लगाएंगे कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, जिसमें मरकरी होता है, वो एसिड में डिप किया हुआ होना चाहिए। और अब सभी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, उनमें हम एक टेस्ट ट्यूब में एक बैटर डाल देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास मेटल रखे हुए हैं सब में हम एक एक टेस्ट ट्यूब में एक एक मेटल डाल देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में बबल्स पहले बनने शुरू हुए, किस टेस्ट ट्यूब में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और कौन सा मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है। तो इस आधार से हम जितनी भी टेस्ट ट्यूब लगाई हैं, जितने भी उसमें मेटल डाले हैं, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि ये मेटल सबसे तेजी से रिएक्शन कर रहा है, ये कम, ये कम, ये और भी कम, ठीक है। ऐसे हम इनको रिएक्टिविटी सीरीज में लगा देंगे। किया क्या हमने अभी तक, कुछ भी नहीं किया कि एक स्टैंड लेकर उसमें टेस्ट ट्यूब लगाई और पाँच छः, और उनमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और हर एक टेस्ट ट्यूब में एक एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर क्यों लगाया, जस्ट टेम्परेचर नोट करने के लिए कि कौन सी मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रही है तो कितना वो एक्सोथर्मिक है, कितना टेम्परेचर उसका हाई हो रहा है, ठीक है। तो वो नोट करने के लिए हम थर्मामीटर लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसी एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ऐसे ही जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, ऐसे ही आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है। हमने कॉपर भी लिया था, कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने भी मेटल लिए थे उनकी रिएक्शंस हमने देखी, कॉपर जो है वो नहीं कर रहा क्रिया, किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, कॉपर की नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो करते हैं या रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सभी में, ठीक है। क्या सभी मेटल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर? हाँ निकालते हैं, पर जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे जब मेटल रिएक्शन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पर जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो गैस निकलनी चाहिए थी उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है उसको वाटर में। और जो ये NO3 है, ठीक है, खुद जो है वो क्या करता है, अब उसका रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। और किसमें रिड्यूस होएगा, NO3 से या तो NO2 बन जाएगा, ठीक है, NO3 से या तो NO2 या NO या N2, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है इसमें हम देख रहे हैं कम हो रही है, ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, इसे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, वाटर में। तो मैग्नीशियम जब या मैग्नीज जब भी डाइल्यूट हाइड्रो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं,
मैग्नीशियम या मैग्नीज जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आइए कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं। मैग्नीशियम की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस बनता क्या है, साल्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। ये था नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट। अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा तब मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पर अगर ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, थोड़ा सा भी कंसनट्रेटेड है, ठीक है, तो जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनेगा पर साथ में हाइड्रोजन गैस जो बननी थी वो नहीं बनेगी। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। ऐसे ही जब पूरा कंसनट्रेटेड हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तब मैग्नीशियम नाइट्रेट ही बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, वाटर में करेगा। तो आज हमने पढ़ा एसिड्स की रिएक्शंस मेटल के साथ। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और पर जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। पर अपवाद हमने लिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम करता है जब डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अदरवाइज हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है नाइट्रिक एसिड से मेटल की रिएक्शन में, ठीक है। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे एक्वारीजिया क्या है। एक्वारीजिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रॉयल वाटर। ये फ्रेशली प्रिपेयर किया होता है दो एसिड्स को मिलाकर। एक तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और एक होगा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दोनों ही एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड लिए हुए हैं। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तीन हिस्से और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक हिस्सा, जब हम ताज़ा इनको मिलाते हैं तो इससे जो मिक्सर तैयार होता है उसे हम एक्वारीजिया कहते हैं। एक्वारीजिया एक ऐसा मिक्सर है दो एसिड्स का बनाया हुआ जो गोल्ड को प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर लेता है। अगर अकेला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें या सल्फ्यूरिक एसिड लें या नाइट्रिक एसिड लें तो उसमें गोल्ड डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। पर जब हम इन दोनों का मिक्सर बना लेते हैं, थ्री हिस्से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और एक हिस्सा जो है नाइट्रिक एसिड का, तो इसमें अगर गोल्ड को डालते हैं या प्लेटिनम को डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाते हैं। ये एक ऐसा मिक्सर है जो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज़ www.scienceeasylearning.wordpress.com। यू कैन आल्सो लाइक माई फेसबुक पेज, दैट इज़ KK चौहान। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए। ये वीडियोस जो हैं मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की हुई है।